नंदीग्राम विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहाँ के प्रत्याशी श्री शुभेंदु अधिकारी का प्रचार करने के लिए मैं यहाँ आया था। उसके बाद में कार्यालय में यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा बातचीत और उनके पास से यहाँ की स्थिति का जायजा भी लिया। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम की जनता से जो अलब जलब बात मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। और आज मैं जब यहाँ आया तब एक दुखद समाचार भी मिला, जहाँ ममता दीदी रात को निवास करती है उसे एक किलोमीटर के दायरे के, पाँच किलोमीटर के दायरे के अंदर ही एक महिला पर बलात्कार हुआ। अब महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता दीदी को मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि बलात्कार करने वाले आपके निवास से पाँच किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करते हैं तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक वृद्ध माँ को पीट पीट कर मारा जाता है, कल उनकी भी मदमुदार माई की कल मृत्यु हो गई। और ममता दीदी स्वयं महिला सुरक्षा की बात करती, एक कॉन्ट्राडिक्शन को बंगाल की जनता भली भांति जानती है। पूरा बंगाल घुसपैठ नहीं चाहता है, पूरा बंगाल चाहता है कि सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को नागरिकता मिले, पूरा बंगाल चाहता है कि यहाँ पर उद्योग लगे, विकास हो, यहाँ के बच्चों को रोजगारी मिले, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो, विश्व स्तरीय हो, बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय हो, कलकत्ता एक विश्व स्तरीय शहर बने और फिर से एक बार बंगाल की संस्कृति का बोलबाला पूरे देश भर में, दुनिया भर में हो। एक दृष्टि से सोनार बांग्ला का स्वप्न जो महर्षि अरविंद और गुरुवर टागोर ने देखा था, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही साकार हो सकता है। पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए अपने वोट देने की बारी का इंतजार कर रही है, नंदीग्राम में भी मैंने यही देखा है। मैं आज नंदीग्राम की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि आपको सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को जिताता नहीं है, ये तो जिताओगी ही, मुझे भरोसा है, परंतु इतने प्रचंड मार्जिन से जिताना है जिससे आने वाले दिनों में जनता को दिए हुए वादों से मुकरना किसी भी राजनेता के लिए नामुमकिन हो जाए। माँ मानुष माटी का नारा जो था, इससे जिस प्रकार का द्रोह किया गया है, ऐसा द्रोह करने की लंबे समय तक कोई हिम्मत न करे, इतने प्रचंड मार्जिन से श्री शुभेंदु अधिकारी को जिताइए, ऐसी अपील कर कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। तो अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने सीधे हमला ममता बनर्जी पर किया और इस बात का जिक्र भी किया कि नंदीग्राम में अब परिवर्तन होने जा रहा है, न सिर्फ नंदीग्राम में पूरे बंगाल में परिवर्तन होना जा रहा है, बीजेपी को बहुमत से जिताना है, यह अपील भी जब वो लोगों के बीच पहुंचे तो उन्होंने किया, क्योंकि आखिरी जिस तरीके से आज दिन है चुनाव प्रचार का,
रोड शो उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले नंदीग्राम में किया और भारी तादाद में भीड़ वहां पर उमड़ी थी। उससे पहले ममता बनर्जी ने भी वहीं नंदीग्राम में मोर्चा संभाला, उन्होंने भी एक रोड शो किया और उसके बाद शाम 5 बजे आज चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। अमित शाह का जो लक्ष्य है 200 प्लस, क्या वही आंकड़ा वो छूते हैं, बीजेपी छूती है, ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से लोगों से अपील की है कि ममता बनर्जी से अब बीजेपी को मौका दिया जाए, परिवर्तन बंगाल में लाया जाए। ये वही नंदीग्राम है जो एक बार पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास बदल चुका है और आज फिर जो यहाँ पर ऐतिहासिक भीड़ है, गृह मंत्री अमित शाह रोड शो में क्या कहेंगे ये भीड़ देखकर। मैं खुद जो लोगों से बात किया है, महिलाएं बच्चे सुबह 7-8 बजे से आए हैं। फिर से एक बार नंदीग्राम बंगाल का भविष्य बदलने जा रहा है। नंदीग्राम की जनता मानती है एक ही सीट पर परिवर्तन करने से बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। अगर यहाँ शुभेंदु जी को वो जिता देते हैं, ममता जी को हरा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। ममता ने भी पूरा जोर लगा दिया है, अंतिम दिन है आज, वो भी कई बम्पर रैलियां कर रही हैं। अच्छी बात है, हर एक ने अपना अपना प्रचार करना चाहिए। पहला फेज हो चुका है गृह मंत्री जी, दूसरा फेज होने जा रहा है, क्या तस्वीर देखते हैं इन दो फेजेस की बात करें तो कितनी सीटें आपको लगता है? देखिए, मैंने कहा कि पहले फेज में हम 26 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये मेरा कंजर्वेटिव अनुमान है। दूसरे फेज का मतदान समाप्त होने के बाद मैं फिर से एक बार मीडिया को बताऊंगा, मगर आकलन यही है हम 200 सीटों को पार कर। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि कभी ये कहती हैं कि कार्यकर्ता ईवीएम की रखवाली करें, कभी ये कहती हैं कि सरकार तो हमारी आएगी और सेंट्रल फोर्सेस के जाने के बाद तो सबको देख लेंगे। चलिए, भाषा बंगाल की जनता स्वीकार करेगी नहीं करेगी ये बंगाल की जनता को तय करना है, और मैं मानता हूँ धमकी की भाषा बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जो तस्वीर आज देख रहे हैं भीड़, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, शुभेंदु अधिकारी यहाँ प्रचंड मार्जिन से जीतने जा रहे हैं।